सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो हम सभी के लिए बहुत बड़ा शॉक था, और आज मैं आपके साथ एक और शॉकिंग फैक्ट शेयर करने वाला हूं। दुनिया भर में 264 मिलियन से ज्यादा लोग डिप्रेशन के मरीज हैं। 15 से 30 साल के लोगों में सुसाइड इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। इट्स वेरी इजी टू से दैट सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन, बट द फैक्ट इज हर साल 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। एंड येट वी फील डिप्रेशन एंड सैडनेस द सेम। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ लोगों से बात की, उनके नाम हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने डिप्रेशन को फर्स्ट हैंड देखा है, एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है। उनके एक्सपीरियंस से वी वांट टू टेल यू 3 मिथ्स अबाउट डिप्रेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज डिप्रेशन एक ऐसा घाव है जो दिखता नहीं। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में से किसी को इस वीडियो से हेल्प मिले। मिथ नंबर 1, डिप्रेशन इज एक्सट्रीम सैडनेस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रीफ, सैडनेस एंड डिप्रेशन। ग्रीफ, this means the feelings that you feel after the death of a relative, that shock. Grief is a direct response to loss, but over a period of time grief kam hota hai because you move on. Sadness is an adjustment disorder. स्कूल में 10 साल अपने फ्रेंड सर्कल में रहने के बाद जब आप कॉलेज में एंटर करते हो तो आप आपका कंफर्ट जोन पीछे छोड़ते हो। आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने की वजह से आप इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जरूरी नहीं कि डिप्रेशन की कोई वजह हो, उसका कोई लॉजिक हो। आपके पास कितना पैसा है, आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, या फिर आपकी पिछले फिल्म ने कितने पैसे कमाए, जरूरी नहीं कि डिप्रेशन से इसका कोई भी कनेक्शन। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और पेंटिंग बनाना आपकी पैशन है, और सडनली एक दिन ये पैशन कहीं खो जाता है, यू फील यू हैव लॉस्ट ऑल एनर्जी एंड दिस फीलिंग लास्ट्स फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, देन मे बी यू आर डिप्रेस्ड। मिथ नंबर 2, डिप्रेशन इज इन योर हेड। लोग है ना डिप्रेशन को एक साइन ऑफ वीकनेस मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी बीमारियों की तरह ही डिप्रेशन के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, और उसमें से एक रीजन है केमिकल इंबैलेंस इन योर ब्रेन। Many people think that some people act depressed just because they want attention, but it's the other way around. Many people are depressed, but they act happy all the time. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पॉजिटिव कोच से या फिर सेल्फ हेल्प बुक से चली जाएगी। अगर आपका कोई फ्रेंड साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है या फिर थेरेपी ले रहा है, तो उसे जज मत कीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए। Myth number 3, सक्सेसफुल लोग डिप्रेस नहीं होते। रॉबिन विलियम्स वॉज अ सक्सेसफुल एक्टर, चेस्टर बेनिंगटन वॉज अ रॉक स्टार, एंड सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ हीरो। वैसे बोला जाए तो क्या नहीं था इनके पास, नेम, फेम, मनी, सक्सेस, एवरीथिंग, एंड येट दे फेल्ट एम्प्टी इनसाइड। मटेरियल वेल्थ की वजह से आप इन डिसीजेस से इम्यून नहीं हो जाते। We've taken mental health so lightly that if we see someone suffering rather than helping them out, we make them feel guilty. We tell them ki are tu kyu depressed hai, iski life to tere se kharab hai, ise naukri nahi hai, iske parents bachpan mein hi guzar gaye. We are constantly judging and comparing. Why do we have to do that? The first step to heal a wound is to accept that there is one. Agar hum khelte waqt gir gaye aur fracture ho gaya to hum doctor ke paas jaate hain because we can see the injury. But that's the problem with mental injuries. We don't see that we are injured. We don't see that we are suffering. Kisi professional ki help lena, doctor ke paas jana koi weakness nahi hai. There are ways to deal with your depression. There are a lot of websites and helpline numbers, both Indian and international. There's always someone to listen to your problems. I have personally tried Your Dost and 7 Cups. It helps talking to someone who doesn't know you. Most importantly, someone who doesn't judge you. Koi problem chota nahi hota. 8 billion logo ke beech कोई इंसान अकेला नहीं होता। आई हैव एन एक्स्ट्रा ईमेल आईडी दैट आई नेवर चेक। व्हेनेवर आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई राइट टू माय सेल्फ। इट्स लाइक एन ऑनलाइन डायरी दैट नोबडी कैन फाइंड एंड दैट नोबडी विल रीड। द मिनट आई टाइप आउट ऑल माय फ्रस्ट्रेशंस एंड दैट ईमेल लीव्स माय इनबॉक्स, आई फील माय फ्रस्ट्रेशंस गोइंग एंड दैट काम्स मी डाउन, देन आई कैन थिंक रैशनली। एंड इफ यू आर फाइन, देन लेट्स मेक श्योर कि आप आपके फिजिकल हेल्थ के बारे में जितने कॉन्शियस हैं, उतने ही आपके मेंटल हेल्थ के बारे में भी कॉन्शियस बने। फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अ 21 डे मेडिटेशन चैलेंज। देयर आर मेनी एप्स दैट यू कैन यूज। पर्सनली वी यूज द सत्वा ऐप बिकॉज़ वी लाइक गाइडेड मेडिटेशंस। अपने पूरे दिन में से सिर्फ 10 मिनट निकालिए और मेडिटेशन कीजिए। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस इमेज का स्नैपशॉट लीजिए और मेडिटेशन करने पर एक टिक मार्क करके ये इमेज अपनी स्टोरीज में अपलोड कीजिए, हमें टैग कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। सो लेट्स मेक मेडिटेशन कूल। सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन, ये इंस्टाग्राम पर कहना जितना आसान है, उतना ही आसान है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना। क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के बारे में जितनी ज्यादा बात करेंगे, उतनी ही ज्यादा लोग ये जानेंगे दैट टॉकिंग अबाउट इट इज नॉट अ वीकनेस। हम जितना ज्यादा बात करेंगे, उतने ही ज्यादा लोग मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस समझेंगे। हम जितनी ज्यादा बात करेंगे, उतने ही ज्यादा लोग ऑनलाइन बुली करना या हेट्रेड फैलाना कम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सुसाइड की न्यूज आप तक और हम तक पहुंचती ही नहीं है। लेट्स क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि हम नहीं, कोई सुशांत कहे दैट सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन।